टू आर्टिस्टिक लाइफ विद ती हूँ प्रीति। समय समय पर अपने घर के अंदर कुछ न कुछ बदलाव करते रहना चाहिए, इससे आपका घर में एक नया लुक भी आ जाता है, साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट भी बनी रहती है। 2 साल पहले मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था, जिसको आप सब लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और अप्रिशिएट किया था। बाय द टाइम अब किचन की चीज़ें फेड होने लगी हैं, उसकी पेंटिंग भी खराब होने लगी है और मैंने जो कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाया था वो भी अब खराब हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से अपने किचन का मेकओवर कर दूं। इस बार मैंने जो थीम सोची है अपने किचन के लिए वो है ट्रॉपिकल, यानी नेचर के करीब। उसके लिए मैं अपने किचन में काफ़ी ग्रीनरी ऐड करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने कुछ नए शेल्फ भी ऑर्डर किए थे, मैं वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर प्लेस करने वाली हूँ, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और कैसे मैंने अपने पूरे किचन को पेंट किया है और क्या क्या चीज़ें कहाँ पर प्लेस की हैं, ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं किचन को पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि इसका पेंट काफी खराब हो गया है। आपको दिख रहा होगा इधर ये पूरी वॉल ये सब पूरी काली हो चुकी है। तो शुरुआत हम करने वाले हैं पेंट करने से, और ये सारी चीजें भी अब निकल चुकी है, जैसे ये देखिए कब करके। तो 2 साल हो गया किचन के मेकओवर को, तो मैंने सोचा कि एक नया लुक दिया जाए ये सारी चीजों को हटा करके। तो अब मैं एक एक करके सारा सामान निकालूंगी, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा घिसाई करेंगे सो दैट कि ये पेंट निकल जाए, उसके बाद पुट्टी लगा करके और फिर पूरा पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले सामान हटा देती हूँ। बाकी चीजें तो मैंने निकाल दी है, मैंने सोचा एक प्रोडक्ट का आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये है हुक जो मैंने अपने किचन में लगाया था और 1 साल से ज्यादा हो गया है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये देखिए निकल भी नहीं रहा है जल्दी, और ये काफी अच्छा वेट होल्ड करता है। ये देखिए मैंने पूरा ताकत लगाया है, ये देखिए तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप चाहे तो इसको मंगा सकते हैं। इस बार मैं अपने किचन में वाइट और ग्रे कलर से पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाकी कमरों में भी वाइट और ग्रे का ही कॉम्बिनेशन है। पेंटिंग में सबसे पहला काम होता है पुट्टी लगाना, इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपके वॉल की पपड़ी निकल गई हो या ज़्यादा कालापन आ गया हो या डस्ट हो गया हो, तो उसको कवर करने के लिए हम सबसे पहले उसके ऊपर पुट्टी लगाते हैं। पूरे वॉल पर हमने अच्छे से पुट्टी लगा दी है, अब इसे हमको छोड़ देना है सूखने के लिए। जब ये अच्छे से सूख जाएगा फिर हम इसके सरफेस को सैंड पेपर से घिस कर उसको इवन कर लेंगे। पहले मेरे किचन की वॉल का कलर ऑफ वाइट था, उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमने उस पर 1 कोट प्राइमर मारा, उसके बाद हमने 3 कोट वाइट पेंट मारा, तब जाकर के किचन का कलर वाइट आया। और गैस के ऊपर वाले पार्ट को हम ग्रे कलर से करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने मेटैलिक ग्रे पेंट यूज़ किया है। पेंटिंग के बाद कमरे की हालत देखिए क्या हो गई है। अब मेरा सबसे मेहनत वाला काम शुरू होने वाला है, वो है जितने भी जगह पर पेंट के दाग लग गए हैं उन सब को छुड़ाना है। उसको छुड़ाने के लिए मैंने बेकिंग सोडा के अंदर विनेगर डाला है और ब्रश की हेल्प से मैंने हर जगह पर इसको लगाया है, और ये इजीली सारा पेंट निकाल देता है। अब मैं इस वॉल पर इस स्टेंसिल से डिजाइन बनाने वाली हूँ। जैसा मैंने सोचा था वैसा वॉल लुक नहीं आया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाली हूँ। मैं इस फ्लावर्स के सारे बॉर्डर्स पर रेड कलर से आउटलाइन कर दूंगी, ताकि ये थोड़ा तो अच्छा हो जाए। आई होप ये कुछ तो
व्हाइट वाले से तो ये मुझे ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी दो चार महीने बाद देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ और कर दूंगी, फिलहाल ये उससे तो अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पर मैं ग्रास मैट लगाने वाली हूँ, ये हमारा वाटर एरिया है, यहाँ हमारा प्यूरिफायर लगा रहता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा नेचर वाली फीलिंग लाना चाहती हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि इस बार मैं अपने किचन की जो थीम रखी हूँ वो है नेचर। ये वाइट शेल्फ मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अभी ये जो आप सारे प्लैंक्स देख रहे हैं इनको मैं असेंबल करूंगी, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से मैं इसे प्यूरीफायर के साइड वाली वॉल पर फिक्स करने वाली हूँ। इस वॉल पर मैं अपना टी स्टेशन बनाऊंगी, तो इस बार मैंने यहाँ पर सिंगल शेल्फ की जगह पर डबल ग्लास के शेल्फ फिक्स किए हैं। अगर आपका किचन अनफर्निश्ड है तो इस तरीके के वॉल शेल्फ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि हम कितने सामान अपने किचन में एडजस्ट करें अगर आपका किचन अनफर्निश्ड है तो इस बार मैंने ये शेल्फ ऐड किया है जिसके ऊपर मैं अपनी कुछ क्रॉकरीज रखने वाली हूँ और थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें। यहाँ पर ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैं इस आर्टिफिशियल क्रीपर को लगा रही हूँ, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है। टी स्टेशन मैं अपना यहीं पर फिर से बनाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी मैं कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। और सिर्फ डिफरेंस क्या आया है कि पहले यहाँ पर सिंगल शेल्फ था, अभी ये वाला जो पहले वहां पर शेल्फ लगा हुआ था उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उस साइड में आपने देखा कि मैंने वो वुडन शेल्फ लगा दिया है। तो चलिए अपने टी स्टेशन को मैं फिर से डेकोरेट करती हूँ। चेंजेस में सिर्फ यही चेंज हुआ है कि पीछे का जो गोल्डन पेंट था वो मैंने हटा करके पूरा बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया है, और मैंने इस बार अपने टी स्टेशन के लिए ये नए ब्लैक एंड गोल्डन टी एंड शुगर कंटेनर लिए हैं, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जिसका शॉपिंग हॉल मैंने आपको दिखाया था अभी लास्ट वीडियो में, तो उसको मैं यहाँ रखने जा रही हूँ। और ये मेरा वही पुराना कैटल। अपने टी स्टेशन को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने एक DIY किया है, ये मैंने अपने पुराने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर किया है, तो अब मैं उसको यहाँ हैंग करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैंने इस बार यहाँ पर कोई कोटेशन वगैरह नहीं लिखा है, सिंपल एक चाय की प्याली बनाई है। ये कॉफी मग स्टैंड मैंने खुद बनाया है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और इसे मैं सेम जगह पर प्लेस कर रही हूँ क्योंकि ये यहीं पर अच्छा लगता है, और इसके ऊपर मैं ये कलरफुल मग्स लगाती हूँ, तो जब भी कोई किचन में एंटर करता है तो उसकी नज़र इस कॉर्नर पर पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ नई चीज़ें भी मैंने इस बार ऐड की हैं अपने किचन में, जैसे कि ये चकला बेलन स्टैंड, ये बहुत ही यूज़फुल है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, आप यहाँ पर ईजिली इसमें चकला और बेलन लगा सकते हैं। इस वॉल पर मैंने ये एक होल्डर फिक्स किया है, ये पहले मेरे टैब के पास था बट वहाँ काफी हॉच पॉच हो रहा था, तो अब मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया ताकि यहाँ से ये मुझे काफी हैंडी रहेगा। ये एंटी स्लिप मैट्स मैंने लिए हैं अपने किचन के स्टील रैक के ऊपर लगाने के लिए, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं और हर कलर के अवेलेबल होते हैं, इनको लगाने से किचन के अंदर थोड़ा सा कलर ऐड हो जाता है, अच्छा भी दिखता है। इसके अलावा इसको आप क्लीन कर सकते हैं ईजिली, और इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ फिसलती नहीं है। यहाँ पर मैं अपने सारे यूटेंसिल्स रखती हूँ,
तो अब यहाँ पर भी मैं मैट लगाने वाली हूँ। स्टील का एक रैक है जिसके ऊपर मेरे ज्यादातर बर्तन आते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं मैट लगाऊंगी। मैट लगाने से ना कोई भी चीज इस पे रखो तो वो गिरती नहीं, अदरवाइज सारी चीज इसके अंदर से निकल के गिर जाती है। इस जगह पर मैं अपने कुकिंग ऑयल और इसके अलावा किचन में यूज़ होने वाले सारे टूल्स जैसे नाइफ, सीजर, लाइटर्स वगैरह रख रही हूँ ताकि ये गैस के पास में रहें और मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं फटाक से ले लूँ। अगर आपका भी किचन मेरी तरह अनफर्निश्ड है तो आप कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको आप बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सिंक के नीचे का ये एरिया, यहाँ पर मैं ये एडहेसिव हुक लगाने वाली हूँ और इसके अंदर मैं किचन में यूज होने वाले अपने वाइपर्स, ब्रशेस और वो स्वाइप, ये सारी चीजों को मैं यहाँ हैंग करूंगी। ये यहाँ पर छुपे भी रहेंगे और अच्छे तरीके से प्लेस भी हो जाएंगे। चलिए इसको फिक्स करते हैं। आप अपने फ्रिज के टॉप को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक सूजन रखा हुआ है और उसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें रखने वाली हूँ जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ, जैसे मेरे सॉसेज हो गए, वेनेगर्स हो गए, हनी वगैरह, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। मेरे किचन में काउंटर टॉप काफ़ी छोटे दिए हुए हैं दोनों साइड में। इस वाले साइड के काउंटर टॉप पर मैं ये एक टू टायर शेल्फ रख रही हूँ जिसके ऊपर मैं अपने फोर्क और स्पून वगैरह रखने वाली हूँ और इस कॉर्नर को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ। मैं अपने वॉश बेसिन एरिया को भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर ये एक प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने अपने विम जेल और हैंड वॉश वगैरह रखा हुआ है और थोड़ा सा उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये एक मनी प्लांट रख दिया है बॉटल के अंदर। ये आर्टिफिशियल अनियन सेट मैंने ऑनलाइन लिया है अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए। आइए देखते हैं फाइनल लुक।
आई होप आपको मेरे किचन का ये नया लुक जरूर पसंद आया होगा। ये सारे आइडियाज अनफर्निश्ड किचन और रेंटल अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक प्लीज प्लीज देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने कमेंट जरूर दें। बाय।